वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम ने वायरस को बढ़ने से रोका, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठनों ने अपना उत्तरदायित्व समझते हुए बेसहारा बेघर लोगों को दोनों टाइम का भोजन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की, जिसके तहत राष्ट्रीय वंदन समिति ने सोमवार को रेलवे स्टेशन रोड पर जरूरतमंदों में राशन के पैकेट का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सड़क किनारे रहने वाले और रिक्शा चालकों में आटा और सब्जी का पैकेट वितरित किया गया। राष्ट्रीय वंदन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर 30 मई तक 21,000 भोजन के पैकेट मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न अस्पतालों और जरूरतमंदों में वितरित किया गया है। साथ ही अब कच्चा राशन वितरित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय वंदन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका ने कहा, विजय खेमका, अध्यक्ष राष्ट्रबंधन समिति। 12 मई से जब लॉकडाउन लगा था शुरू में ही, हम लोगों ने देखा कि मरीज तो मरीज थे, परिजन बहुत परेशान थे। लॉकडाउन होने के नाते उनको कहीं भी कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था। पैसे थे जेब में लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर जो यात्री आ रहे थे बाहर से उनको भी खाने कुछ नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने, हमने राजू लोहारका जी ने, अनिल जायसवाल जी ने, अनुराग खेमका जी ने, सबने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग भोजन बनाकर वितरित किया जाए जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने 1000 से 1100 पैकेट 12 मई से लगातार जो बांटा गया बनाकर उसको मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, ये यहाँ पेनिसिया हॉस्पिटल में और बस स्टेशन पे यहाँ वितरित किया गया। कल तक हम लोगों ने इसको करीब लगभग 21,000 भोजन का पैकेट बांटा गया। साथ में हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखा था, वो भी लगभग 20 लोगों को दिया गया एक सप्ताह के लिए। ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी, उसको भी मंगाया गया था, उसको भी वितरित किया। मेडिकल किट दिया गया, जो होम आइसोलेट थे उन लोगों को 10 दिन की मेडिकल किट दिया गया, मास्क का वितरण हुआ। और अब हम लोग जो है कच्चा राशन, अब जैसे संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है तो अब कच्चा राशन हम लोग बांटेंगे, एक सप्ताह तक बांटेंगे।